मध्य प्रदेश के जबलपुर में जम्मू कश्मीर के सूबेदार जितेंद्र ने अपनी पत्नी के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आर्मी कैंपस में हुए इस हादसे की खबर से हड़कंप मच गया है। लोगों के मुताबिक कल सुबह ही सूबेदार के 3 साल के बच्चे की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई और इसी गम में दोनों माँ बाप ने अपनी जान दे दी। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इससे पहले साल 2015 में भी इनके 4 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सरकारी आवास में सूबेदार जितेंद्र ने अपनी पत्नी सरबजीत सिंह के साथ फांसी लगा ली। शाम को जब जितेंद्र से मिलने उनके कुछ साथी घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आया तो इसकी जानकारी सीनियर अधिकारियों को दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। न्यूज डेस्क।